सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नजारा भी मनमोहक होगा, पौधों से हरा भरा नजर आएगा। यही नहीं, यहाँ फलों के बगीचे के रूप में यह विकसित होगा। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए बेंच भी लगाए जाएंगे, एक तरह से एक विकसित पार्क के रूप में नजर आएगा। नगर परिषद की ओर से ट्रीटमेंट प्लांट में गांधी वाटिका का विकास किया जा रहा है। कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर यूडी खान ने पौधे लगाकर गांधी वाटिका के विकास की शुरुआत की। यहाँ पर फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ का कहना है कि गांधी वाटिका में 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पौधों की सार संभाल के लिए नगर परिषद की ओर से स्टाफ नियुक्त किया गया है। पानी के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर यूडी खान, नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़, सहवृत सदस्य एवं पूर्व नगर पालिका चेयरमैन तैयब अली ने गांधी वाटिका में पौधे लगाए और वाटिका को विकसित करने की शुरुआत की। जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि पानी के लिए ड्रिप सिस्टम भी लगाया जा रहा है। ये नगर परिषद आयुक्त और सभापति नगमा बानो का बेहतर प्रयास है। जिले में गांवों में पौधे लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में झुंझुनू हरित झुंझुनू के रूप में विकसित होगा। एक सेकंड। परिषद झुंझुनू द्वारा गांधी वाटिका का विकास किया गया है। ये जो एसटीपी झुंझुनू का बन रहा है, इस एसटीपी के कंपाउंड के अंदर अच्छी भव्य गांधी वाटिका बनाने का प्रावधान किया है इन्होंने, और अच्छे पौधे लगा रहे हैं। पानी की व्यवस्था के लिए ड्रिप सिस्टम भी तैयार कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर फलदार और छायादार पेड़ लगाएंगे, जिससे भी पशु पक्षी और जो अन्य प्राणी हैं, जो मूक प्राणी हैं, उनको अच्छा भोजन मिलेगा। और ये एक अच्छा प्रयास है। ज़िले में वृक्षारोपण का कार्य सब जगह आम जन के सहयोग से चल रहा है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी अपनी बाकायदा वृक्षारोपण कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, माननीय विधायक साहब भी कर रहे हैं, प्रधान भी कर रहे हैं, नगर पालिका नगर परिषदों के अध्यक्ष सभापति भी कर रहे हैं। और एक ज़िले में वृक्षारोपण के प्रति एक अटूट और भयंकर और उत्साहजनक माहौल बना हुआ है। मैं सोचता हूँ आने वाले पीरियड में झुंझुनू एक हरित प्रदेश के रूप में, हरित जिले के रूप में प्रसिद्ध होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है।